जय हिंद, वेलकम बैक टू द न्यू सेशन। फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कर लिए थे, जिसमें से 1 to 3 एक्स माइनस एक्स बार वाली मेथड थी, एंड देन 4 and 5 मैंने करवाया था आपको एक्स एंड वाई वाली मेथड से, एंड 6 नंबर का सम मैंने आपको होमवर्क में दिया था। अगर आपको उसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपका आंसर नहीं आता है, आप उसको दोबारा एक बार ट्राई कर लीजिए, शायद से कहीं माइनर सी मिस्टेक है, आंसर आ जाएगा। तो आज हम नई और थर्ड मेथड जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। मेथड तो कार्ल पियर्सन की ही है। क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एज एंड ब्लड प्रेशर, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एज एंड ब्लड प्रेशर। ओके, तो यहाँ पर हमको x एंड y जो दो वेरिएबल दिए हैं वो है, एक है आपका एज दैट इज x, एंड दूसरा है ब्लड प्रेशर दैट इज y। अब अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है तो जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंसान का ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता जाता है, राइट। तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कोरिलेशन होगा, राइट। तो जो ब्लड प्रेशर है उसका और इसका क्या रिलेशन है, कैसे रिलेशन बनता है, क्या है, वो हम अभी जस्ट देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एज यूजुअल करना है इसका टोटल। तो आपको सिग्मा एक्स फाइंड करना है। सिग्मा एक्स मिल गया 464, देन सिग्मा वाई 1153, then step number 2, x bar is equals to sigma x upon n, sigma x is equals to 464, so n कितना लेंगे हम, so 1 2 3 4 5 6 7 8, n is equals to 8 हुआ, 464 by 8 is equals to 58, now y bar, sigma y upon n, sigma y हमने already find करके रखा हुआ है 1153, n is equals to same हमें लेना है 8, क्या आंसर मिला आपको 144.13। ओके, अब आप देख सकते हो कि हमारा x bar का जो आंसर है वो तो विदाउट फ्रैक्शन है, बट y bar जो है वो हमको फ्रैक्शन में मिला है, एंड बिकॉज ऑफ दिस अपने जो फर्स्ट वाली मेथड है x माइनस x bar वाली मेथड वो हम नहीं कर पाएंगे। नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड मेथड कि हम x एंड वाई वाली जो मेथड है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई वाली, क्या वो कम कर सकते हैं। तो देख लीजिए आपके यहाँ पर आपको जो ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं वो काफ़ी बड़े बड़े ऑब्जर्वेशन है, 130, 150, 158, मतलब जिसका स्क्वायर जो है वो आपको नहीं आता है। यस, आप लोगों के पास आंसर होगा कि हम लोग कैसे में कर सकते हैं। ओके, मैं मना नहीं कर रही हूँ, आप लोग कैसे में कर सकते हो। 158 into 158 काफ़ी बड़ा आंसर आ जाएगा। 158 का 68 से जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो अगेन आपका एक बहुत बड़ा डिजिट आएगा। जितने बड़े बड़े डिजिट होंगे उतनी ही गलती होने के चांसेस ज़्यादा होता है। सो फ्रेंड्स, हम लोग मूव ऑन करेंगे यूवी वाली मेथड पे। जब मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ाया था तो उसमें फोर्थ नंबर का जो था ऑब्जर्वेशन, आप लोगों के फोर्थ नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स में डाउट भी रहे होंगे, आप लोग बार रिवाइज कर लेना फिर से वो थियरी। तो जिसमें मैंने आपको बोला था कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज या तो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ओरिजिन एंड स्केल, चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल से जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है ये आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि हम अगर x एंड y के बीच कोरिलेशन फाइंड कर लेते हैं, सेफ और आप बोलते हो कि यूवी वाली मेथड हमें लेंदी लगती है, मोनोटोनस लगती है, आप ये वाली मेथड कर लो, आपका आंसर तो आ ही जाएगा। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कौन करे इतनी बड़ी बड़ी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन एंड टोटल और ये सब, तो वो लोग यूवी वाली मेथड फॉलो करके सम करेंगे तो भी उसका आंसर तो आना ही है, राइट। तो यू इज इक्वल्स टू क्या है, तो यू इज इक्वल्स टू है एक्स में से, इसमें से हमें कोई भी एक ऑब्जर्वेशन को सिलेक्ट करना होता है और वो सभी में से माइनस करना होता है। अब देख लो क्या माइनस करना है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी, राइट। मेरा पर्सनल सजेशन है
कि हम वो वाला एक ऑब्जर्वेशन लेंगे कि जो रिपीट हो रहा है कोई रिपीटेशन, कोई रिपीटेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ओके. जब नहीं दिखता तो एक काम करो, एक्स बार जो आया उसी को ले लेते हैं, राइट. इससे क्या होगा कि सिग्मा यू ज़ीरो हो जाएगा, तो हमें कैलकुलेशन थोड़ी इजी पड़ जाएगी. कोई रिपीट हो रहा है तो उसको ले लो, नहीं हो रहा है ये तो ये पॉइंट में नहीं आ रहा है, इसलिए अगर ये पॉइंट में होता तो हम 58 भी ना लेते, राइट. ये तो विदाउट फ्रैक्शन है, पॉइंट में नहीं है, तो 58 ले लिया. बाकी आप इसमें से कोई भी जो आपको ईजी लगता है वो ले लो, 55 ले लो, 58 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, कोई बाउंड्री लाइन नहीं है उसके लिए. मैं इधर 58 ले रही हूँ, ठीक है. 58 में से हमें करना है 58 माइनस 58 क्या आएगा, 0. देन आफ्टर 55 माइनस 58, इसके लिए आप जो हमारा शॉर्टकट मेथड है वो यूज़ कर सकते हो. अगर आपको शॉर्टकट मेथड नहीं पता, आप मेरा फर्स्ट या सेकेंड वीडियो देख लेना, आप लोगों को उसका जो शॉर्टकट है वो इजीली आइडिया आ जाएगा कि क्या है. 58 माइनस 58 इज़ इक्वल्स टू 0. 55 इज़ इक्वल्स टू क्या मिला आपको, -3. 65 इज़ इक्वल्स टू 7. 52 इज़ इक्वल्स टू -6. 48 इज़ इक्वल्स टू -10. 68 इज़ इक्वल्स टू +10. 62 इज़ इक्वल्स टू 4. 56 इज़ इक्वल्स टू -2. एंड लास्टली अगर आप 0 प्रेस करोगे आपको क्या मिल जाएगा, सॉरी आप GT प्रेस करोगे तो आपको मिल जाएगा सिग्मा यू, एंड दैट इज 0. क्यों, बिकॉज ये कुछ नहीं है, ये x माइनस एक्स बार है, इसलिए ये 0 आ गया, ठीक है. x माइनस एक्स बार वाली ही रीत कर लेते हैं, वही मेथड से सम कर लेते हैं. क्यों u वाली मेथड कर रहे हैं, बिकॉज y बार इज इन फ्रैक्शन, पॉइंट में आ रहा है y बार का आंसर, इसलिए हम u v वाली मेथड पर जा रहे हैं. अगेन नाउ v इज इक्वल्स टू y माइनस समथिंग, माइनस करना है, क्या माइनस करना है, बहुत ईजी है, सेम फंडा जो रिपीट हो रहा है उसी को कर लेंगे. यहाँ पे रिपीट काफ़ी चीज़ें हो रही है, अब देख लो 130 दो बार है, 140 दो बार है, 150 है. अच्छा मैं ना 130 नहीं लूँगी, क्यों नहीं लूँगी, क्योंकि ये 58 के सामने एक बार ज़ीरो हो चुका है. सो अगेन 130 माइनस 130 एक बार ज़ीरो हो जाएगा, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं ज़ीरोज करना चाहती हूँ, जिससे मेरी कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही ईजी हो जाए, तो इसलिए मैं 130 नहीं लूँगी. ऐसा नहीं है 130 लेने से आंसर नहीं आएगा, बट मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो करना चाहती हूँ, हमारी जो कैलकुलेशन है वो ईजी बन जाए, इसलिए, राइट. सो मैं ले रही हूँ यहाँ पर क्या लेते हैं, 140 ले लेते हैं, चलो 140 लेते हैं, 150 भी ले सकते थे, कोई इश्यू नहीं है. और अगर आपको लगता है कि भाई 158 मेरा फेवरेट है, आप वो भी ले लो, कोई इश्यू नहीं है, कोई भी चीज़ ले सकते हो. जस्ट ये क्या है कि थोड़ा लोभ है कि जितने ज़्यादा ज़ीरोज़ हो जाएंगे हम सीधा मल्टीप्लिकेशन में ज़ीरो रख देंगे, स्क्वायर में ज़ीरो रख देंगे, तो इसीलिए मैं ऐसा देखती हूँ कि भाई हम जो ज़्यादा रिपीट हो रहा है उसको ले लेते हैं, और एक बार ज़ीरो हो गया है वो वापस से हम ना लें, राइट. अब v इज इक्वल्स टू मैं ले रही हूँ y माइनस 140, मतलब हमें सभी y में से क्या करना है, 140 माइनस 130 माइनस 140 इज इक्वल्स टू माइनस 10. 150 माइनस 140 10. 150 इज इक्वल्स टू 10. 130 इज इक्वल्स टू माइनस 10. 140 इज इक्वल्स टू 0. 158 इज इक्वल्स टू 18. 155 इज इक्वल्स टू 15. एंड 140 इज इक्वल्स टू माई फेवरेट 0. देन ये -10 +10 -10 +10, तो ये 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0. 18 एंड 15 कितने होंगे फ्रेंड्स, तो सिग्मा वी मेरे को मिल रहा है इधर 33. यस ओके. नाउ ये छोटे छोटे हो गए,
अब इसका स्क्वायर कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं इजीली. लेट्स गो, यू स्क्वायर, वी स्क्वायर एंड यू वी. यू स्क्वायर 0, 9, 49, 36, 100, 100, 16, 4. सिग्मा यू स्क्वायर मिला आपको कितना आ रहा है, 314. मेरे भरोसे मत रहना, गलती भी हो सकती है. मैं तो अपने आप कर रही हूँ अभी, कैलसी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आज मोबाइल भी नहीं लिया है और एडवांस में कैलकुलेशन भी करके नहीं रखा है. राइट, ओके. वी स्क्वायर हम कर लेते हैं, वी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 100, 100, 100, 0 एंड 18 का स्क्वायर 324, देन 15 का स्क्वायर 225 एंड 0 का स्क्वायर ऑब्वियसली 0. नाउ इसका टोटल करना है, 400 है ये, 300, 200, 500 हो गए, 900 हो गए, 925 एंड 25 मतलब 50, बट एक का मैं तो 49, सो 949 सिग्मा वी स्क्वायर मिल गया मेरे को, 949. गॉट इट. एंड देन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये 0 हो गया मेरा फेवरेट, माइनस 30, 70, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 600, 30, ओके. और ये नो 600 नहीं, सॉरी, ये 0, ये 180, 15 4 60 एंड ये अगेन 0. आप लोगों ने देखा इधर 3 जीरोज हो गए. अगर मैं 130 लेती तो ये एक 0 तो होता और फिर अगेन दूसरा ये 0 बन जाता, ये 2 0 नहीं होते. राइट, तो इसीलिए जितने ज़्यादा जीरोस होते हैं हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है. एंड दैट इज़ व्हाई कि हमको सामने सामने वाले ऑब्जर्वेशन सिलेक्ट नहीं करने हैं और जो मोस्ट रिपीटेटिवली है उसको हमें सिलेक्ट करना है. अब इसका टोटल करना है आप लोगों को, सिग्मा वी यू वी का टोटल, ओके, 180, 60, 60, 120, 120 एंड 180 मतलब 300, 370. 70 में से फिर 30 निकाल दो, 40, मतलब 340 आंसर आए. डन. अब क्या करना है, फॉर्मूला रख देना है. होप सो आप लोगों ने फार्मूला लर्न कर लिए होंगे. मैं क्लास में नहीं हूँ तो आप लोगों को नहीं पूछ सकती हूँ, अदरवाइज तो डेली आपके थोड़े दिन फिर की ले लेती सुबह सुबह, तो आपको शायद से फार्मूला का डर से भी आप कर लेते. बट प्लीज़ फ्रेंड्स, डोंट अंडर एस्टिमेट दिस, कर लो आप, पढ़ लो. जैसे ये 12th शुरू हुआ है ऐसे ख़त्म भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा. तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, उसी में सबका भला है, मेरा, आपका, सबका. क्योंकि अगर अभी आप नहीं पढ़ोगे बाद में मेरे को बहुत सारा हेडेक लेना पड़ेगा. एन इज इक्वल्स टू सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन एन इंटू सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर. जहाँ जहाँ x था पकड़ पकड़ कर y रख u रख दो और जहाँ जहाँ y था उधर पकड़ पकड़ के v रख दो, ख़त्म. फार्मूला वही का वही है, कोई चेंज नहीं है. वैल्यूज़ रख दो, n इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 8 है. सिग्मा uv क्या है, 340 एंड सिग्मा u 0 था, मज़ा आया. सिग्मा v 33 देन अंडर रूट एन इज इक्वल्स टू 8 है, सिग्मा यू स्क्वायर. अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी दिमाग लगाते हैं कि भाई सिग्मा यू का स्क्वायर 0 तो सिग्मा यू स्क्वायर ऑब्वियसली 0 हो जाएगा ना, ऐसा नहीं होता. चलो ज़्यादा दिमाग मत लगाना अपना, है नहीं अपने पास, पता है ना, फिर खर्च हो जाएगा.
सिग्मा यू का स्क्वायर जीरो का स्क्वायर कर लेना कैलसी में, हाँ हाँ, एट इंटू सिग्मा वी स्क्वायर कितना मिला है 949 एंड माइनस सिग्मा वी का स्क्वायर 33 का स्क्वायर। ओके, अब एज यूजुअल आपको कैलसी में शॉर्टकट अप्लाई करना है, 8 इंटू 340 एम प्लस 0 इंटू 33 एम माइनस एम आर सी। हाँ हाँ, अब ये तो ज़ीरो ही हो जाने वाला था, शॉर्टकट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, खाली इतना मल्टीप्लाई करके उसका आंसर रख दो आंसर। ओके, तो क्या आंसर मिला आपको 2720 राइट। फिर क्या करना है, थ्री स्टेप में रख देना है उसको 2720 को, भाई ये ज़ीरो था हाँ तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा, आप एम प्लस एम माइनस करके भी देख लोगे तो हो जाएगा अगर डाउट आता है तो। देन अब ये वाला कैलसी ज़ीरो कर लो, 8 इंटू 314 एम प्लस अगेन करोगे, नहीं करना है क्योंकि ये तो ज़ीरो है ऑलरेडी, हमें सिर्फ इसी का मल्टीप्लिकेशन चाहिए जो हमको मिलेगा, कितना मिला 2512 राइट। और फिर आपको क्या करना है इसका मल्टीप्लिकेशन, सॉरी अंडर रूट प्रेस करना है आपको इसका, तो अंडर रूट प्रेस किया क्या मिला, एक मिनट हाँ मैं कर रही हूँ कैलसी में, रूट तो मैं नहीं निकाल सकती ना अपने आप, 50.119 मिला है तो मैं 12 लिख रही हूँ, ठीक है डन। नेक्स्ट आपको करना है ये वाला, 8 इंटू, अच्छा पहले कैलसी को ज़ीरो करना है कंपलसरी, 8 इंटू 949 एम प्लस एंड देन 33 इंटू 33 एम माइनस एंड देन प्रेस करो एम आर सी, क्या मिला, तो क्या मिला आपको, मेरे को इधर मिल गया 6503 एंड देन आप रूट प्रेस करोगे तो आपको क्या मिलता है 80.64। मजबूरी है मेरी, ये सब खुद से करना पड़ता है, बच्चों को करके देना होता है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, 80.64 इंटू 50 80.64 इंटू 50.12 क्या मिला, 4041.676 है तो मैं 68 कर रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। देन 2720 डिवाइड बाय 4041.68 क्या मिला, 0.67। पीछे 2987 है, मैं पीछे 2 है तो 7 का 7 रखती रही हूँ, ये है वो हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो एक चीज़ मैं वेरी क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आप इसमें से कुछ भी माइनस करते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन सब में कुछ भी प्लस करते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन सबको 10 से डिवाइड कर देते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर वही आना है। अच्छा कुछ नहीं करो, एक्स एंड वाई के बीच में भी रिलेशन निकाल दो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करके, आपको यही आंसर मिलेगा। सो कभी भी, कभी कभी जनरली क्या होगा कि आप सेम बेंच पे बैठ के दो अलग अलग इंसान ने, एक ने ले लिया 140 और दूसरे ने ले लिया 150 और फिर बोलेंगे कि इसने 130 लिया तो इसका आंसर कुछ अलग आता है, मैंने 150 लिया मेरा आंसर कुछ अलग आता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये दिमाग में से निकाल ही देना कि हमने कुछ अलग अज्यूम किया था और अलग माइनस किया था तो उसके कारण मेरा और इसका आंसर चेंज आ रहा है, नेवर एवर
कभी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, आपकी कैलकुलेशन में ही कहीं गड़बड़ी होगी तभी आपका आंसर चेंज आ रहा है। अदरवाइज़ आप कुछ भी अज्यूम करो, कुछ ना भी अज्यूम करो, किसी से भी डिवाइड करो, कोई भी चीज़ को प्लस कर दो, माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही है आपका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 4 कि जो क्या कहता था कि यूवी का कोरिलेशन इज इक्वल्स टू एक्स वाई का कोरिलेशन। मतलब आप एक्स एंड वाई का कोरिलेशन आर फाइंड कर लो या फिर तो यू एंड वी के बीच में कोरिलेशन फाइंड कर लो, बिकॉज आर मतलब कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। मतलब प्लस माइनस करो या मल्टीप्लीकेशन डिविजन, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके और एक बात, यस रह गई, इसको डिब्बे में भरना कंपलसरी है। मतलब कि इसमें भी आपको टेबल तो बनाना ही है, कंपलसरी विदाउट फेलियर। क्लियर? ओके एंड लास्ट चीज, हम इसका टाइप लिख देते हैं, क्या कहेंगे इसको, पॉजिटिव कोरिलेशन। क्यों पॉजिटिव है? बिकॉज इसका आंसर पॉजिटिव आया है इसलिए। अगर इसका आंसर नेगेटिव आता तो मैं कहती कि ये नेगेटिव कोरिलेशन है। अच्छा, अगर रिलेशन की बात करें तो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इसके पीछे लिखा दैट डजंट मीन कि इसका यूनिट है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है, आर इज़ अ यूनिट फ्रेम मेजर, तो हमें इसके पीछे कोई भी यूनिट लगाने की ज़रूरत नहीं है। माइंड इट वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर, तो सब नंबर 8 क्या कहता है फ्रेंड्स, देखिए आप पढ़िए मेरे साथ टेक्स्ट बुक में। एन इंजीनियर एसोसिएशन वांट्स टू नो द रिलेशन बिटवीन द प्रोडक्शन इन 1000 यूनिट्स, इग्नोर करो कोई काम का नहीं, एंड द यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ डिफरेंट फैक्ट्रीज। मतलब अलग अलग फैक्ट्री को एक ही चीज़ का प्रोडक्शन करने में कितनी कॉस्ट लग रही है, इन दोनों के बीच का कोरिलेशन है। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम 6 फैक्ट्रीज रिगार्डिंग देयर प्रोडक्शन एंड यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब जनरली क्या होगा फ्रेंड्स कि आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट जो है उतना ही डाउन होगा। आप लोग ये चीज़ कहाँ पे पढ़े थे, याद करो, इकोनॉमिक्स में 11th में, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ़ यूनिट बढ़ता जाएगा आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो तो फिक्स ही रहने वाली है, एंड इसीलिए आपकी एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, चलो मैं ज़्यादा इकोनॉमिक्स में नहीं ले जा रही हूँ आपको। अब हम मूव ऑन करते हैं सम नंबर 8 के सॉल्यूशन की ओर। एक्स दिया हुआ है हमको, बहुत ही केयरफुली रखना है, अगर यहाँ पे गलती हो गई फिर सम में गलती होनी है, बाय डिफ़ॉल्ट होगी ही। 15, 20, 35, 24, 18 and 31 देन वाई 95, 90, 75, 80, 87 and 70 डन। देन एज यूजुअल फर्स्ट स्टेप क्या है, देखो ये तो अभी हम सम कर रहे हैं, बुक से कर रहे हैं, एक्सरसाइज से कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि पहले 3 x माइनस x बार वाली मेथड से थे, दूसरे 3 x y वाली मेथड से थे, तो तीसरा जो है तो ऑब्वियसली वो uv वाली मेथड से होगा, तो पता है। बट जनरली फ्रेंड्स जब हमें यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछते हैं तो हमको सिर्फ ये बोला है कि कार्ल पियर्सन की मेथड से हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करें। इनकेस हमें कुछ ना भी बोला होता कौन सा मेथड यूज़ करनी है, तो मैंने आपको बोला है कि बाय डिफ़ॉल्ट हम कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन मेथड, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। तो सबसे पहले तो हमें यही कर लेना है कि x एंड y का टोटल एंड x बार एंड y बार फाइंड करना है। सो x बार एंड y बार, सिग्मा x इज इक्वल्स टू 143, सिग्मा y का टोटल, मुझे नहीं पता इसका मतलब, 497, x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n, there is 143 divided by 1 2 3 4 5 6
सिक्स पैर इज देयर, सो एन इज इक्वल्स टू सिक्स. सो हमको x बार मिल गया है 23.83. सीधा जंप कर सकते हैं हम यूवी वाली मेथड पे, बिकॉज जब x बार पॉइंट में आया y बार फाइंड करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है. दूसरी चीज कि x बार वाली मेथड की भी मेरे को, सॉरी x y वाली जो मेथड है उसकी भी कोई गुंजाइश मुझे नहीं दिख रही है, बिकॉज देखो 87A 75A सबके स्क्वायर बड़े बड़े होंगे और मेरे पास तो अभी कैलसी भी अवेलेबल नहीं है, तो x एंड y वाली ट्रिक तो कोई मतलब बनती ही नहीं है, चांस ही नहीं बनती. सो हम यूज़ कर रहे हैं इधर यू वी वाली मेथड और यू फाइंड कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. सो यू फाइंड करने के लिए क्या लगता है आपको, क्या माइनस करना चाहिए हमको? कुछ रिपीट हो रहा है? कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है. ठीक है, तो क्या करें फिर, x में से अब जो बोलोगे 20 कर देते हैं, इजी आएगा, जल्दी हो जाएगा. चलो देन 20 ले लेते हैं. 15 माइनस 20 क्या आया? -5. 20 माइनस 20 0. अच्छा, और एक चीज़ कि इसी में से लेना है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है. सपोज आपको लगता है कि भैया 23 है, मैं 23 लेना चाहता हूँ, ले सकते हो, या लेना चाहती हो ले सकती है. समझ में आया? सो ज़रूरी नहीं है कि इसी में से हम कोई चीज़ माइनस करेंगे, बट जनरली मैं यही प्रेफरेबल करती हूँ. 35 माइनस 20 50. 24 माइनस 20 4. 18 माइनस 20 माइनस 2. एंड 31 माइनस 20 11. ज़्यादा मूड में हूँ लग रहा है ना आज. सिग्मा यू, अच्छी खासी नींद करके वीडियो लेक्चर बनाने बैठी हो इसलिए. -5 है एंड -2 है, मतलब ओवरऑल -7 है. देन 15 एंड दूसरे 15 मतलब 30 हो गए. दूसरे 15 मतलब ये देखो 11 प्लस 4 मतलब 15. 15 एंड 15 30. 30 में से 7 जाए कितने बचे? 23 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. नेक्स्ट फाइंड करते हैं वी. वी इज इक्वल्स टू वाई माइनस समथिंग. क्या माइनस करना है बोलो? देखो एक बात तो पक्की है कि अब 20 के सामने जो आ रहा है उससे मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, बट मैं 2 0 करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं उसका जो सामने आ रहा है उसको नहीं लूँगी. अच्छा, और कुछ रिपीट हो रहा है क्या? कुछ भी नहीं हो रहा है. कोई नहीं, क्या लेते बोलो आप? 80 ले ले. 80 ले लेते हैं, थोड़ा नज़दीक पड़ेगा, जिससे ज़्यादा माइनस वाले भी नहीं होंगे, ज़्यादा प्लस वाले भी नहीं होंगे. सो 80 ले लेते हैं, डन. चलो 95 माइनस 80 15. 90 माइनस 80 10. 75 माइनस 80 5. आपको ये वाले शॉर्टकट से ही करना है. मैं बार बार बोल रही हूँ 75 में से ये माइनस 75 में से ये, बट आपको हमेशा से शॉर्टकट से ही ये करना है, ठीक है? 80 इज इक्वल्स टू 0. 87 इज इक्वल्स टू 7 एंड 70 इज इक्वल्स टू माइनस 10. शॉर्टकट वाला आपने लेक्चर नहीं देखा, अब देख लेना. फर्स्ट लेक्चर जो है x माइनस x बार वाली मेथड का, उसमें मैंने ये वाला शॉर्टकट सिखाया हुआ है, ठीक है? इसका टोटल करते हैं, डन ना, कहीं गलती तो नहीं है, एक बार देख लेते हैं. 95 में से माइनस किया मैंने 80, तो आया 15, फिर 90 तो 10. 75 माइनस 5 80 0 87 7 70, तो -10, डन. -10 एंड +10 कट हो गया. ये 5 माइनस है, ठीक है, एंड ये 15 है, तो सपोज़ ये 10 ले लो और ये 7, तो सिग्मा वी मेरे को मिल गया 17, डन. देखो +10 -10 कैंसिल, 15 में से 5 गया, 10 बचा, 7 उसमें ऐड कर दो, 17 हो गया, इजी. देन यू स्क्वायर वी स्क्वायर एंड यू वी रेडी. तो यू स्क्वायर मतलब 25 0 225 16 4 121 एंड सिग्मा यू स्क्वायर.
तो 25 + 225 = 250, 2270 and 120 दूसरे मतलब 391. ओके डन. देन वी स्क्वायर 225 100 25 0 49 100. सिग्मा वी स्क्वायर 225 and 25 मतलब 250 and 100 मतलब 350 and 100 मतलब 450 and 49 499 450 + 49. देखो अगेन मैं एक बार ऐसे कैलकुलेशन कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ. 225 + 25 = 250 100 and 100 = 200. सो 250 + 400 मतलब 450, गड़बड़ी हो गई सॉरी. 250 + 200 मतलब 450 and + 49 मतलब 99. देन ऐसे आपको ये सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सीख के भी क्या करोगे, आप तो कैलसी से यूज टू हो, आप कैलसी यूज़ करो. यू एंड वी का मल्टीप्लिकेशन 15 × 5 = 75 बट माइनस 0. ये ना मेरा फेवरेट है, जितने ज़्यादा जीरोज बनते हैं मैं खुश होती जा रही हूँ. अगेन 75 - 0 = 14 and 110 - 9. क्या थी ये दो वेरिएबल? प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट. स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने आपको कि इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा होगा फ्रेंड्स, नेगेटिव. राइट, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना आपका फिक्स कॉस्ट बढ़ने वाला नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दिस आपका जो एवरेज कॉस्ट है दैट इज़ कॉस्ट पर यूनिट, वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा. प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होता जाएगा. ओके, अब इसका टोटल कर लेना है. 75 and 75 = 150 and 100 = 250 and 10 मतलब 260 एंड दूसरे 10 = 274. अगेन एक बार 75 + 75 = 150 + 100 = 250 दूसरे 10 = 260 और एक बार 10 = 270 और दूसरे 4 = 74. डन. चलो फॉर्मूला रखो, अब तो आपको ही बोलना पड़ेगा, मैं नहीं लिखने वाली, बोलो. चलो एन सिग्मा यू वी, फिर सिग्मा यू, हाँ फिर वी. डन. अंडर रूट, माइंड इट वेरी वेल. अगर आपको ये वाला चैप्टर नहीं आता, आपको ना तो थर्ड नंबर का आएगा ना तो फोर्थ नंबर का आएगा, तो आप इसको प्लीज़ अंडर एस्टिमेट मत करो, इग्नोर मत करो. अभी ये वाले बड़े बड़े फार्मूलाज लग रहे हैं, बट स्टिल उसको कैसे भी करके एक दिन में 10 बार लिखो, 15 बार लिखो, लर्न कर लो. ठीक है, नहीं चलेगा. पता नहीं कितने लोग खुश होते होंगे कि मैम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे, पता है कि हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद भी वो बस बेबस है. चलो 6 × σ UV - 274 - σ U 23 - σ V 17 अंडर रूट एन 6 × σ UV 23 = 6 × σ V² = 499 - σ V² = 17. ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपको शॉर्ट कट अप्लाई करना है. 6 × 274, बट प्लीज़ देख लो आप, ये माइनस है. सो या तो आप m माइनस प्रेस करोगे, m प्लस के बदले,
या फिर एक चीज़ और कर सकते हो कि जब भी आपको कोई भी डिजिट ऐसे माइनस में दी गई है तो आप कैलसी में जब वो डिजिट लिखो ना, तो डिजिट लिखने के बाद उसको माइनस कर दो। आपके कैलसी में प्लस और माइनस का बटन होगा कि जिसके थ्रू आप इसको माइनस कर सकते हो, राइट। तो आपको दोनों में से एक ही चीज़ करनी है, या तो एम माइनस करो या तो जब आप डिजिट लिख रहे हो तब आप उसको माइनस करो। दोनों में से एक, वॉट एवर आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है आप उसके साथ जा सकते हो। सो 6 इंटू 274 माइनस करो, देन एम प्लस प्रेस करो, फिर 23 इंटू 17 एम माइनस एंड देन एम आर सी, डन। क्या मिला बताओ? सो क्या मिला आपको? माइनस 2035, राइट। अगर ये वाला आंसर नहीं मिला आप वापस से एक बार कर लेना, शॉर्टकट में आपने कहीं पे गड़बड़ी करी होगी, ठीक है। थ्री स्टेप में इसको कंटिन्यूस लिख लेना है, माइनस 2035। एंड देन अगेन हमें ये वाला स्टेप कर लेना है, 6 into 391 एम प्लस, 23 into 23 एम माइनस एंड एम आर सी। बोलो क्या मिला? राइट। रूट प्रेस करो, क्या मिला फिर बताओ? 42.63। अब जस्ट वीडियोस को देखते रहते हो या वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर रहे हो? दूसरे यूट्यूबर्स बोलते हैं, मैं नहीं बोलती तो नहीं करने का। अगे आगे बढ़ो, ये बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट क्यों आती है आपको ऐसा लगता होगा ना, सम करते करते मैं बोर हो जाती हूँ अकेले अकेले, इसलिए। और क्या? 6 into 499 एम प्लस, 17 into 17 एम माइनस एंड देन एम आर सी। अब बोलो क्या मिला? क्या मिला? 2705 एंड रूट प्रेस कर दो तो आपको मिलेगा 52.0, पीछे 96 है तो इसको 1 कर देंगे एंड देन मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, मतलब कि 52 जो भी मिला है, मतलब क्या मिला आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके? 2217.19, राइट। एंड देन इन दोनों का डिवीजन करना है आप लोगों को, मतलब कि 2035 डिवाइड बाय 2217.19। क्या मिला आंसर? 0.9178 है, सो हो जाएगा 9 to 10, बट कैसा? नेगेटिव वाला। और क्या कहेंगे इसको? स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। समझे? तो बहुत इजी मेथड है, कुछ नया चेंज नहीं करना है, खाली एक्स एंड वाई में से कुछ ना कुछ माइनस करो, कुछ ना कुछ प्लस करो, तो आपको क्या मिल जाएगा? यू मिल जाएगा, वी मिल जाएगा एंड देन आफ्टर आपको सेम मेथड जहाँ जहाँ एक्स था यू कर दो, जहाँ जहाँ वाई था वी कर दो, फॉर्मूला में रख दो, कैलकुलेशन ईजी है। अब तो आपको ये एम प्लस एम माइनस एम आर सी वाला भी आ गया होगा, हैंडी हो चुका होगा। आपको नहीं आ रहा है, प्लीज़ अभी आप इसको बार बार से देखते रहो और बार बार से इसका प्रैक्टिस करते रहो, तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज़ हैंडी हो जाएगी। पूरे ट्वेल्थ में आपको ये वाला जो फॉर्मूला है शॉर्टकट बहुत सी बार यूज़ करना पड़ेगा, और भी बहुत सारे हमारे पास ऐसे शॉर्टकट है, हर एक चैप्टर के लिए ऐसे अलग अलग शॉर्टकट्स होते हैं, बट ये वाला जो है स्पेशल शॉर्टकट है, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर में कहीं ना कहीं तो यूज़ होगा ही, राइट। तो सभी चैप्टर्स के शॉर्टकट्स तो होते ही हैं, बट ये वाले जो शॉर्टकट्स हैं वो थोड़े स्पेशल हैं, सो इसको याद रख लो, राइट।
अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, तो वो तो आप नहीं कर पाओगे। तो आज का होमवर्क क्या दूं मैं आपको? 9 नहीं होगा आपसे, 10 भी नहीं होगा बिकॉज उसमें पॉइंट है, 11 में भी पॉइंट है तो नहीं होगा, छोड़ दो। चलो आज छोटे बच्चों के लिए छुट्टी, होमवर्क नहीं है। ओके, गुड बाय फ्रेंड्स, जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू।